और अब बात छत्तीसगढ़ भाजपा के जेल भरो आंदोलन की, जिसमें आज प्रदेश भर में अलग अलग नेताओं ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्यारेलाल स्कूल में गिरफ्तारी दी है। खूबचंद पारक जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव समेत हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्यारेलाल स्कूल में गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा खूबचंद पारक जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। तो जेल भरो आंदोलन के तहत आज पूरे प्रदेश में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे और जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर अनुमति लेने के बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए जो आदेश जारी किया गया उसके विरोध में एक तरीके से एकता दिखाई गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया और जेल भरो आंदोलन को सफल करने की कोशिश की गई। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय साहू भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गिरफ्तारी दी है पूर्व मुख्यमंत्री ने, मधुसूदन यादव ने और तमाम दिग्गजों ने, कौन कौन से वो नेता है जिन्होंने गिरफ्तारी दी है और कितना ये सफल आज जेल भरो आंदोलन रहा है? जी, महावीर चौक से इन्होंने संबोधन के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव, लीलाराम भोजवानी जी और खूबचंद पारक वहां से निकले। उन्होंने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका। उसके बाद उन्हें प्यारेलाल स्कूल ले जाया गया जहां उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक तरीके से एकता दिखाने की कोशिश संगठन की तरफ से हुई है, बड़े नेता भी आज सड़कों पर निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए।